सो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हम सबसे पहला जो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो ऐसा दिखाई देगा। अगर इसको एक्सपेंड कर दूं मैं तो एक्सपेंड करने पे दिखता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। और इसको ऐसे भी कई जगहों पे लिखा जाता है कि अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बनाए तो डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सी डबल बॉन्ड ओ को एक फंक्शनल ग्रुप और ओ एच को एक फंक्शनल ग्रुप। दिस कंप्लीट पैकेज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एज अ सफिक्स दैट मीन्स एज अ सीनियर फंक्शनल ग्रुप इट विल बी नेम्ड एज ओइक एसिड और इट कैन बी नेम्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कब किसको यूज करना है वो हम लोगों को ऐसे समझना होगा। ओइक एसिड व्हेन द कार्बन ऑफ सी ओ ओ एच इज कंसिडर्ड इन पैरेंट चेन। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वॉज फॉर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब व्हेन द कार्बन ऑफ सी ओ ओ एच इज नॉट कंसिडर्ड इन पैरेंट चेन। और आप और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो अगर तो आप कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड दो केसेस में लिखा जा सकता है। कब कार्बन को काउंट नहीं करना है सीओएच में, तो पहला जब साइक्लिक में हो, साइक्लिक में सीओएच जुड़ा हो, और दूसरा व्हेन थ्री और मोर देन थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच्ड। व्हेन थ्री और मोर देन थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच्ड तो वो स्पेशल केस हो जाएगा। और साइक्लिक में अगर एक भी सीओएच लगा होगा तब भी काम चल जाएगा। सो इन दो केसेस में अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। अदरवाइज एक सीओएच है या दो सीओएच है तो उस केस में ओइक एसिड यूज किया जाएगा और उसके कार्बन को भी आपको काउंट करना होगा पैरेंट चेन के अंदर में। यहां पे कार्बन काउंट नहीं होगा सीओएच का पैरेंट चेन में और उसके लिए हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना पड़ेगा। एक पॉइंट और यहां लिख लीजिए नोट लगा के। इफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स begins from A E I O U और एक Y। पहले बताया था मैंने A E I O U वॉवल, इसके अलावा Y के साथ अगर शुरू हो रहा है
सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट अल्फाबेट, देन ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स, इज ड्रॉप्ड। सो इफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ओइक एसिड है तो ओ से शुरू हो रहा है, तो उस केस में प्राइमरी सफिक्स का लास्ट अल्फाबेट हटा देना है। अब तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं इसको। ओके, नोट कर लिया हमने, मैं एक एग्जांपल से इसको और समझा देता हूं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू नेम फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज HCOOH। देन CH3COOH, सो फर्स्ट वन हैज वन कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम विल बी काउंटेड इन पेरेंट चेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन। अब देखिए मिथ, देन AN ई आना चाहिए था, बट क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ओइक एसिड, दिस इज ओइक एसिड, तो ओ से शुरू हो रहा है ये, तो AN का लास्ट वाला ई को ड्रॉप कर दिया हमने, तो ये हो गया मिथेनोइक एसिड। ऑल्सो बिकॉज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, आपको इसका नंबर बताने की जरूरत नहीं है अनलेस स्पेशल केस हो। ओके, जैसे सेकेंड वन में देखिए काउंटिंग होगी हमेशा वन नंबर दिया जाएगा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को, तो वन और टू, सो दिस बिकम्स एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट नेम कह रहे हैं इसका, देन नेक्स्ट वन ओके। वन टू एंड थ्री, दिस बिकम्स प्रोपेनोइक एसिड। इधर वन टू थ्री एंड फोर, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। नाउ आप अगर ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता तो आप यहां से काउंट नहीं करते वन टू थ्री फोर लोएस्ट नंबर देने के लिए, बट क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग है इसको हमेशा वन मिलेगा, टू थ्री फोर एंड फाइव, और टू पे लगा हुआ ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा इथाइल, सो दिस बिकम्स टू इथाइल पेंटेनोइक एसिड। हो गया, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल करो।
ओके, राइट द आईयूपीएसी नेम्स। नाउ फर्स्ट वन, सिंस दिस इज अ साइक्लिक केस, 1 2 3, इस सीओएच का कार्बन को काउंट आपने नहीं किया, तो ये स्पेशल केस बन चुका है। ओके, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एक्सीलेंट साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल या साइक्लो प्रोपेन, दिस इज साइक्लो प्रोपेन। नाउ प्रोपेन, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सी से शुरू हो रहा है, तो ए एन ई जो इसके आगे रहा होगा उसका ई हटाने की जरूरत नहीं क्योंकि सी से शुरू हो रहा है। अगर ए ई आई ओ यू या वाई से शुरू होता तो हटाते, तो ई भी लगाओ। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन, जैसा कि हमारी बात हो चुकी थी, सीओएच को नंबर वन देंगे आप, तो वन और टू, तो टू पे लगा हुआ अब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, और सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, तो सेकेंड पोजीशन पे लगाए, टू साइक्लोप्रोपाइल, देन दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, टू साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन, अब दो रास्ते थे आपके पास, आप इस 1 2 3 वाले को चेंज पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते थे, या ये साइक्लो हेक्जेन वाले को पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते थे, तो और कोई डिफरेंस नहीं था, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देखना था, तो मैं इसको पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, 4 पे लगा हुआ अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ओके, और काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, जहां से पेरेंट चेन से जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर में, तो 1 डैश 2 डैश एंड इधर आ जाएगा 3 डैश। अरे प्रीफिक्स का तो बात, एज अ प्रीफिक्स यहां बता देता हूं, एज अ प्रीफिक्स हमने पहले देख रखा था कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करना है कार्बोक्सी, एज अ प्रीफिक्स आप लिखेंगे कार्बोक्सी के नाम से इसे, तो टू पे लगा हुआ है देखिए कार्बोक्सी, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग देख रहा हूं मैं, तो फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ था ब्रैकेट लगाया, अब सेकेंड पोजीशन में देखिए इसके टू पे लगा हुआ है कार्बोक्सी, तो दिस इज टू कार्बोक्सी, और तीन कार्बन का साइड चेन है प्रोपाइल, हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब पेरेंट चेन आइए, तो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन और वन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वैसे तो ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन इसका प्रीफिक्स यूज किया जा सकता है अगर ऐसे केस बना दिए जाएं जिसमें एक सीओएच पेरेंट चेन में आ जाए, एक सीओएच साइड चेन में आ जाए, तब फिर जो साइड चेन वाला है उसके लिए कार्बोक्सी यूज करना पड़ेगा अपने को। चलो एक और एग्जांपल ट्राई करें,
सो फर्स्ट वन, वन एंड टू, वन एंड टू, दिस बिकम्स इथेन एंड दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं तो डाई ओइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम में इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और अगर सजा के बनाना है तो आप ऐसे बनाते हो, COOH, COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, वही लिखा हुआ है ये भी। अगला, वन टू थ्री, दिस इज प्रोपेन डायओइक एसिड। दिस इज मैलोनिक एसिड। IUPAC नेम तो प्रोपेनोइक एसिड है, बट कई कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे इसका नाम है मैलोनिक एसिड। थर्ड वन, वन टू थ्री फोर, दिस इज वन टू थ्री फोर, दिस इज ब्यूटेन डायओइक एसिड, दिस इज सक्सिनिक एसिड, कॉमन नेम। देन अगला, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पांच हो गया, तो पेंटेन डायओइक एसिड, दिस इज ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, देन अगला है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दिस इज हेक्सेन डायओइक एसिड, दिस इज एडिपिक एसिड। अब कॉमन नेम्स जो हैं उनको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर डायओइक एसिड्स हैं, सी डायओइक एसिड्स हैं, तो इनके पैटर्न कैसे याद रखेंगे आप। तो इसके लिए याद रखो, ओम्स ओम्स गैप, ओम्स गैप, तो शुरुआत होगी दो कार्बोक्सिलिक एसिड से, ओ से, और पहला वाला था ऑक्सैलिक एसिड, ओके, एम से था मैलोनिक, एस से था सक्सिनिक। देखो कहां पहुंचे, दो से शुरू किया, दो COH, बीच में एक भी कार्बन नहीं है, फिर आप एक कार्बन बीच में ले आए तो मैलोनिक हो गया, दो कार्बन बीच में ले आए मतलब टोटल चार कार्बन, तो सक्सिनिक, जी से आ जाएगा ग्लूटारिक, दो तीन चार पांच, पांच पे पहुंच गए, छठवा एडिपिक, और पी से देख लीजिए, दिस इज पाई मेलिक, पाई मेलिक एसिड। तो ओम्स गैप याद रखो, इससे आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को याद रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नोट कर लिया हमने, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, राइट द IUPAC नेम।
फर्स्ट वन, वन टू एंड थ्री, सो दिस विल बिकम साइक्लो प्रोप वन इन, देन तीन था तो वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोप वन इनाइल वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल केस का था ये। नेक्स्ट वन, अब देखिए दो सी ओ एच लगे हैं, इसको कहां से काउंटिंग शुरू करें और कहां काउंटिंग खत्म करेंगे, बताओ इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। चलो तो अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो टू मिल रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी टू मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट को, फंक्शनल ग्रुप को तो वन ही मिलेगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो चेन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो हमेशा एंड्स पे लगे होते हैं, तो टू पे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और फोर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से करता तो टू पे ये मिलता फोर पे मिलता, जबकि टू पे इथाइल था इधर मिथाइल था, तो अल्फाबेटिकली मैंने ले लिया, सो दिस बिकम्स टू इथाइल फोर मिथाइल एंड पांच कार्बन का पेरेंट चेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन डाई, ओहो ई छूट गया, टू इथाइल फोर मिथाइल पेंटेन डाई ओइक एसिड, पेंटेन डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट वन, नाउ जब तीन या तीन से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हों, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है, जैसे इस केस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, स्पेशल केस में सी ओ एच को छोड़ के बाकी पेरेंट चेन आपको डिसाइड करना है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेशन, और इनके लिए नाम यूज करना है स्पेशल वाला, जैसे यहां पे मैं इसके लिए नाम यूज करूंगा, तो सेवन कार्बन है तो हेप्टेन, थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि दो लगे हुए थे तो हमेशा वहीं से काउंटिंग शुरू करके हमने वन टू थ्री फोर फाइव एंड एंड पे लगा दिया था, राइट, एक स्टार्टिंग में एक एंड पे, जबकि एक से दो से ज्यादा अगर होंगे यानी तीन या तीन से ज्यादा होंगे अगर, तो उस केस में हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के। एक और एग्जाम्पल कर लो तो आपका पूरा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके राइट द आईयूपीएसी नेम, ओके सो अब इस केस में देखिए, अगर आप सोचें कि तीनों सी ओ एच को ले लें तो वो पॉसिबल ही नहीं, वन टू थ्री फोर अगर आप इधर आ रहे हो तो ये सी एच टू सी ओ एच है,
जबकि पैरेंट चेन से डायरेक्टली सीओएच जुड़ा हुआ होना चाहिए था। नाउ इधर अगर हम गए तो 1 2 3 4, इधर गए तो 1 2 3 4 5, इधर ही जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये दो सीओएच अपने पैरेंट चेन में हो गए, यानी कि ये 1' और 2', दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। इधर भी लिख दीजिए 1' एंड 2', दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। और 3 पे लगा हुआ ये पूरा का पूरा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका नेमिंग कैसे होगा सब्स्टिट्यूएंट का? तो 1', और इस कार्बन को आप काउंट नहीं करोगे तो इसका नाम होगा कार्बोक्सी मिथाइल। दिस वन सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल, दिस वन इज ऑल्सो इथाइल। असेंबल कर दीजिए इसको तो ये हो जाएगा 2,4 डाई इथाइल, एंड 3 पे लगा हुआ है कार्बोक्सी मिथाइल। पैरेंट चेन है 5 कार्बन का, तो पेंटेन डायओइक एसिड। एंड लास्ट एग्जांपल, राइट द आईयूपीएसी नेम। ओके, सो दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। सो दैट मीन्स ये तो हो गया हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब ओ सी एच थ्री मिथॉक्सी इज अ सब्स्टिट्यूएंट, एंड यहां से ये पूरा का पूरा दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन ये कार्बन पहले है तो SO3H तो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो पहले लिखा जाता है। यानी कि आपसे बोला जाए कि सल्फो पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो कि यहाँ SO3H था, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फो मिथाइल। अब काउंटिंग कहां से शुरू करें? तो इधर से किए तो 3 मिल रहा था, इधर से किए तो 3 मिल रहा था, तो अल्फाबेटिकली एम पहले आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3-methoxy-4-sulfomethyl। देन पैरेंट चेन है 6 कार्बन का, तो हेक्सेन
डायओइक